पवित्र पुनिया होंगी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिग बॉस के घर में लॉक। बिग बॉस 14 है रेडी करने अपने इस साल के सीजन को लॉन्च। 3 अक्टूबर से होगी बिग बॉस सीजन 14 की शुरुआत। सलमान खान करेंगे अनाउंस कि कौन होगा इस साल के कंटेस्टेंट्स जो होंगे एक साथ एक ही घर में लॉक। अब जल्द ही एक्साइटमेंट होने वाली है डबल। कुछ कहानियां अब फिर से दोहराई जाएंगी। सोर्सेस के मुताबिक इस साल के कंफर्म कंटेस्टेंट्स में से एक पवित्र पुनिया मारेगी बिग बॉस के घर में अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रतीक सहजपाल के साथ एंट्री। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के मुताबिक पवित्र और प्रतीक इस साल बिग बॉस के कंटेस्टेंट बनते नजर आ सकते हैं। चैनल है काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाने उनकी इक्वेशन को दुनिया के सामने। पिछले साल ये दोनों भी थे एक दूसरे के काफी करीब, लेकिन इन दोनों ने अपने रास्ते बदल दिए। हो गया था पवित्र और प्रतीक का ब्रेकअप। वही अब मेकर्स ने कर लिया है डिसाइड इन दोनों को बिग बॉस के घर में करने लॉक। पवित्र और प्रतीक ने कभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात नहीं की है, लेकिन इनके सोशल मीडिया पोस्ट ने इनके रिश्ते को लेकर काफी बस क्रिएट किया है। पवित्र और प्रतीक को बिग बॉस के घर में देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। आपको बता दें पवित्र पुनिया को लास्ट ईयर भी बिग बॉस के लिए किया गया था अप्रोच, लेकिन बालवीर रिटर्न्स की शूटिंग के चलते वो इस शो का हिस्सा नहीं बन पाई थी। वहीं उन्हें एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंटर करने को भी किया गया था, लेकिन पवित्र के एक्स बॉयफ्रेंड पारस छाबरा थे बिग बॉस 13 का हिस्सा, जिसकी वजह से पवित्रा ने कर दिया था शो करने से मना। लगता है इस बार पवित्रा है अपने रिश्ते को लेकर बात करने के लिए रेडी। वहीं अगर पवित्रा और प्रतीक सहजपाल के रिश्ते की बात करें, तो ये दोनों में मिले थे BCL यानी बॉक्स क्रिकेट लीग के दौरान। अब ये दोनों भी घर में एक साथ होंगे लॉक या नहीं, ये तो देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। आप कितने एक्साइटेड है पवित्र पुनिया और प्रतीक को एक साथ बिग बॉस के घर में लॉक होते देखने के लिए, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।